चैप्टर वन के बाद देखिए चैप्टर टू है, एक है ना, चैप्टर टू से शुरुआत होगा, ठीक है। चैप्टर टू, चैप्टर का नाम बताओ। इकोनॉमिक सिस्टम, चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक सिस्टम। प्रॉब्लम मतलब समझते ही हैं, आपके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह से किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी है उसका भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स आता क्यों है, जो डे बाय डे चेंजेज आ रहे हैं, आपका च्वाइस चेंज हो रहा है। च्वाइस चेंज होने से क्या होगा, जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम में लगे हुए हैं प्रोडक्शन में, उसको भी आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा। नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है कि मान लीजिए आपका एक सेटअप है, आप कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आया तो नो डाउट लोग उसी चीज को डिमांड करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेटअप को चेंज करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि रोजाना नए नए प्रोडक्ट नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जिसके चलते ये इकोनॉमी का एक प्रॉब्लम है। आप खुद सोचिए ना, अगर आपका एक फैक्ट्री रहेगा, एक टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने उसको सेटअप किया, प्रोडक्शन कर रहे हैं, अचानक टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, तो क्या आप उसी को चलाते रहेंगे तो आपका फैक्ट्री चलेगा? क्योंकि डिमांड तो उस चीज का रहेगा नहीं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आप अगर चेंज नहीं करोगे तो आपका फैक्ट्री क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इकोनॉमिक में जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो है ही, और भी प्रॉब्लम है, कितना प्रोडक्शन किया जाए, कब किया जाए, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी हम लोग देखेंगे। सिस्टम देखेंगे जी, कोई भी चीज सिस्टम से चलता है, मेरा लाइफ भी सिस्टम से चलता है, चलता है ना। अगर मान लीजिए एक दुकानदार है, अगर वो सिस्टम से दुकान को खोलेगा और बंद नहीं करेगा तो दुकान उसके चलेंगे। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सिस्टम है ना। यहां पर आप पढ़ने आए हैं तो यहां के भी सिस्टम है जिसको आप पूरा तोड़ रहे हैं, है कि नहीं। तो देखेंगे एक हर एक देश का भी, अब सिर्फ इंडिया तो नहीं है, वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, तो सभी के अब अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कानून है। तो देखेंगे सबको अपना अपना, जो जैसा कंट्री है उसको अपना कानून को फॉलो करना पड़ता है। जो वहां का रूल एंड रेगुलेशंस है, उसी तरह से बिजनेसमैन को भी वही रूल एंड रेगुलेशंस को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मतलब जो जहां का सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इकोनॉमी को भी सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आप लोग को इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, बाद में हम लोग प्रॉब्लम लिखेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, बोलता है द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क विद इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द नेशन आर कंडक्टेड इज कॉल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का डेफिनेशन आपको मिल गया, क्या मिला, लीगल एंड फ्रेमवर्क विद इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द नेशन आर कंडक्टेड। जिस फ्रेमवर्क से और लीगल और इंस्टीट्यूशन, ये दोनों को मानते हुए जो कंडक्ट होता है, चलता है कोई भी इकोनॉमी, उसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। सिस्टम तो मानना पड़ेगा। फिर आगे है डिफरेंट नेशंस, अलग अलग जो देश होते हैं, हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, उसका अलग कानून होगा। वहां के जो इकोनॉमी है, वहां का जो लोग उद्योग धंधा कर रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, वहां के कानून को मानेगा। सो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ वन नेशन डिफर टू अदर, इसीलिए यहां का जो रहेगा सिस्टम, दूसरे का सिस्टम क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। बट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। वैसे अभी ये दोनों बोलने का रह गया है, अभी पूरे वर्ल्ड में क्या चलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, कुछ बड़ा बड़ा फैक्ट्री गवर्नमेंट की तरफ से भी लग रहे हैं और कुछ प्राइवेट वाले लगा रहे हैं। ये दोनों
फ्री होते हैं कोई भी तरह के इंडस्ट्री को लगाने के लिए, कोई भी एक्टिविटीज को करने के लिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे देखिए बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, बहुत सारा प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है। आप देखते हैं ना, प्राइवेट बस भी चलते हैं, गवर्नमेंट का बस भी चलता है, इसी तरह से सभी चीजों में है। अब देखिए, अब बड़ा बड़ा में आइए, बड़ा बड़ा फैक्ट्री को देखिए, तो देखेंगे टाटा कंपनी ने मान लीजिए लोहे का बिजनेस किया है, आयरन का, रॉड आयरन, आयरन इन स्टील, तो देखेंगे गवर्नमेंट का भी है। कौन कौन सा है प्राइवेट में, तो ये हुआ प्राइवेट में, टाटा हुआ प्राइवेट में। गवर्नमेंट का क्या क्या है, सेल दुर्गापुर में देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट, तो ये जो स्टील प्लांट है वो कौन लगाया, गवर्नमेंट, तो क्या प्राइवेट नहीं लगाया। तो ऐसे इकोनॉमी जहां पर दोनों फ्री होते हैं कोई भी सेटअप करने के लिए, उसी को क्या बोला जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। बट यहां पर देखेंगे सबसे पहले क्या है, इसी को क्या बोला जाता है, पूंजीवादी। इसका एक नाम और भी है, मार्केट सिस्टम। जो मार्केट सिस्टम से चलते हैं उसी को क्या बोला जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके बाद सोशल से बना है, जिसमें सारा काम कौन करते हैं, ओनली गवर्नमेंट का होते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या होते हैं, जितने भी वैसे कंट्री जिसमें सारा का सारा कुछ सिर्फ प्राइवेट वाले ही चलाते हैं, यहां पर क्या है, सारे के सारे क्यों चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं इसमें नीचे वाले में, और मिक्स्ड में दोनों मिलके। क्लियर हो गया, तो इकोनॉमिक सिस्टम आपको पता चल गया, और इकोनॉमिक सिस्टम कितने हैं, तीन। बट अभी जनरली देखा जाए पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है।